अभी मैं कोशिश करूंगा इसके अंदर एंट्री करके इसको अच्छे तरीके से दिखाने की, एक्सप्लोर करने की परमिट। कैफा हाल? श्रीलंका में 750 से 800 के बीच में। लेकिन अभी मैं पहुंच चुका हूं अलक्सा मॉस जो कि श्रीलंका में है। हाउ इज द लाइफ ऑफ मुस्लिम्स इन श्रीलंका? एवरीवन, यहां जगह पर मिस्टर का फार कॉर्नवाल सगन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो मैं पहुंच चुका हूं श्रीलंका की एक स्पेशल सिटी जिसका नाम कातनगुड़ी है। अभी मैं वहां पे पहुंचा नहीं, लेकिन जो उसका डिस्ट्रिक्ट है वो जिस डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है बत्ती कलाव में पहुंच चुका हूं। श्रीलंका के टोटल 25 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और उसमें से एक डिस्ट्रिक्ट में आज मैं पहुंच चुका हूं बत्ती कलाव। यहां से मुझे जाना है कातनगुड़ी, 8 किलोमीटर का रास्ता है कुछ, यहाँ से मुझे तय करके कातनगुड़ी जाना है। वो स्पेशल सिटी है श्रीलंका की, इंडिया के किसी भी व्लॉगर ने उस सिटी को नहीं एक्सप्लोर किया हुआ है। तो मैं जा रहा हूँ यहाँ से कातनगुड़ी की तरफ, पूरी जानकारी दूंगा, पूरा मजे करेंगे। वीडियो के एंड तक जरूर देखिए, अगर आप न्यू है मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत। अभी जनवरी चल रहा है, जनवरी में मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, आपके पास पता नहीं कब पहुँचेगी। और अभी गर्मी इतनी है ना यहाँ पे कि जान निकल रही है। तो अभी मैं जा रहा हूँ बस पकड़ने के लिए जो मुझे कातनगुड़ी छोड़ेगी। अभी उतरा हूँ इस बस से, तो वेलकम टू कातनगुड़ी। कातनगुड़ी एक स्पेशल सिटी मानी जाती है, यूनिक सिटी मानी जाती है, और यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन है यहाँ पे। तो आज मैं मुस्लिम लाइफ को एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ, कातनगुड़ी को एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ, और मुस्लिम्स के बारे में इन्फॉर्मेशन भी देने जा रहा हूँ कि कितने मुस्लिम्स हैं यहाँ पे श्रीलंका में, क्या है सब आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। फिलहाल वेलकम टू कातनगुड़ी। तो ये है भाई साहब कातनगुड़ी का कुछ सिटी, इस तरह से दिख रहा है, बहुत ही यूनिक सिटी है। तो भाई साहब मैं आपको बता रहा था कि आपको श्रीलंका के इस पार्ट में आकर आपको लगेगा नहीं कि आप श्रीलंका में हो, आपको ऐसा लगेगा कि आप मिडिल ईस्ट में हो, लेकिन ये श्रीलंका ही है, श्रीलंका का ईस्टर्न पार्ट है। ये जो सिटी पड़ती है श्रीलंका के ईस्टर्न पार्ट में पड़ती है। तो भाई साहब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि श्रीलंका की ये कातनगुड़ी है जो बहुत ही यूनिक सिटी है। उसमें आपको एक चीज़ मैं स्पेशल, सबसे स्पेशल बता देता हूँ। आपने अलक्सा मॉस्क के बारे में सुना होगा, जेरूसलम की अलक्सा मॉस्क के बारे में तो सुना है, लेकिन अभी मैं पहुँच चुका हूँ अलक्सा मॉस्क जो कि श्रीलंका में है। ये श्रीलंका की अलक्सा मॉस्क है। तो अभी मैं कोशिश करूँगा इसके अंदर एंट्री करके इसको अच्छे तरीके से दिखाने की, एक्सप्लोर करने की परमिशन लेके, मिलती है नहीं मिलती है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा। वाह जनाब कितनी ब्यूटीफुल दिख रही है, और ये है अलक्सा मस्जिद। अब मैं परमिशन लेता हूँ, मुझे परमिशन मिल जाती है तो मैं अंदर जाके देखूँगा, नहीं मिलती है तो वापस आ जाऊँगा। अस्सलाम वालेकुम सर, आई केम फ्रॉम इंडिया, सो आई जस्ट केम हियर टू see this beautiful mosque, so can I go inside? Oh, oh, thank you. तो भाई साहब परमिशन मुझे मिल गई है सिक्योरिटी गार्ड से, थैंक यू सर। I'm from India. Yeah. India. Kashmir. Yeah. जनाब क्या जबरदस्त लग रही है, माशाल्लाह। सुपर, कोई भी इंडियन व्लॉगर अभी तक यहाँ पे आके इस मॉस्क को एक्सप्लोर नहीं किया है, पर मुझे शौक था इसको देखने का, क्योंकि जो जेरूसलम में है उस मॉस्क का और इस मॉस्क का स्ट्रक्चर तकरीबन सेम ही बताया जाता है। तो ये है जहाँ पे लोग मुंह हाथ धोते हैं, वुज़ू करते हैं, फिर उसके बाद अंदर जाते हैं। तो पहले मैं भी मुंह हाथ धो लेता हूँ, उसके बाद अंदर जाके आपको दिखाता हूँ। बहुत ही एक्साइटेड हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए और खुद भी देखने के लिए। मुंह हाथ धो लिया मैंने, तो अब कर रहा हूँ मस्जिद के अंदर एंट्री। अरे वाह सुपर भाई सुपर, ज़बरदस्त लग रही है यार। श्रीलंका की थर्ड लार्जेस्ट मॉस्क है ये, और ये बहुत इम्पोर्टेंट रिलीजियस साइट मानी जाती है, जहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आके यहाँ पे वर्शिप वगैरह करते हैं। श्रीलंका के मुस्लिम्स के बारे में या किसी भी रिलीजन के बारे में मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था,
श्रीलंका में 10% मुस्लिम से लाइक 2 मिलियन से थोड़े से ज़्यादा हो सकते हैं या थोड़े से कम भी हो सकते हैं, वो जो कि डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में पाए जाते हैं। वो सिटीज़ कोलंबो हो गई, अम्पारा हो गई, कैंडी हो गई और बहुत सारी सिटीज़ हैं जहाँ पे मुस्लिम्स लोग रहते हैं। श्रीलंका में 750 से 800 के बीच में इस्लामिक स्कूल्स हैं और 200+ मदरसास हैं जहाँ पर जाके इस्लामिक स्टडीज़ हासिल करते हैं, इस्लामिक एजुकेशन लेते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर इस्लामिक यूनिवर्सिटी भी है और बहुत सारी लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से ना यहाँ से लोग माइग्रेट होकर डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में चले गए हैं, मिडल ईस्ट में चले गए हैं, यूके में चले गए हैं, यूएस में चले गए हैं और डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में चले गए हैं माइग्रेट होकर, क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पा रही थी यहाँ पर जॉब की। जो कि इंटेलिजेंट लोग थे, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, लाइक डॉक्टर्स, इंजीनियर। तो आप हल्की सी किसी भी जगह पे जाओ, उस जगह की इन्फॉर्मेशन लेना या उन लोगों से बात करना ज़रूरी होता है। तो मैंने यहाँ पे एक आई डोंट नो, यू आर वर्किंग हियर इन दिस मॉस्क, यू आर हाफिज, यू हाफिज, नो नॉट हाफिज, ओके, व्हाट्स योर जॉब हियर? जॉब आ रहा है इलेक्ट्रीशियन, यू आर इलेक्ट्रीशियन। तो ये हमें इलेक्ट्रीशियन है, यहाँ की इस मॉस्क के इलेक्ट्रीशियन है, तो जो भी बिजली का काम वगैरह होता है ये करते हैं। सो यू नो ऑल द थिंग्स रिगार्डिंग इलेक्ट्रीशियन, एवरीथिंग, यू नो एवरीथिंग। सो कैन यू टेल मी लिटिल बिट अबाउट दिस मॉस्क? दिस मॉस्क द फिलिस्तीन, या आई नो द स्ट्रक्चर ऑफ दिस मॉस्क इज लाइक अ फिलिस्तीन मॉस्क, फिलिस्तीन, फिलिस्तीन, सेम, या फिलिस्तीन, फिलिस्तीन, या राइट, सेम मॉस्क, सेम, सेम डिजाइन, सेम डिजाइन। सो यू नो व्हेन द दिस मस्जिद बिल्ड इन व्हिच ईयर? Which year this masjid built? Oh. You know the year? Mosque 2010 start, 2020 finished only. 2010? 2020 finished, 2 days. Opening. Okay, थोड़ा सा कम्युनिकेशन में दिक्कत आ रही है, तो उनका ये मानना है 2020 में ये कम्प्लीट हो गई और वाकई ही इतनी ज़बरदस्त लग रही है, इतना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। एंड यू आर हैप्पी हियर? ओके, नाइस मीटिंग यू, नाइस मीटिंग। अभी मुझे कोई मिल नहीं रहा था जिसके साथ मैं कम्युनिकेट करता और इन्होंने बताया मुझे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, माशाल्लाह। थोड़ा सा इसके बारे में मैं रीड कर रहा था, बताया जाता है कि श्रीलंका की थर्ड लार्जेस्ट मॉस्क है ये यहाँ। सेल्फी, ओके ओके, लेकिन देख सेल्फी हो रही है भाई। ओके थैंक यू। तो बताया जाता है कि इसकी कंस्ट्रक्शन जो शुरू हुई थी 2010 में और 2020 में जाकर कंप्लीट हो गई थी, अगर मैं रॉन्ग हूँ तो मुझे बता दीजिए, मुझे सर ने यही इन्फॉर्मेशन दी। और उसके बाद 2020 के बाद इसका इनॉग्रेशन मीन्स काम वगैरह जो भी था वो स्टार्ट हो गया। और इसका स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर है जो ट्रेडिशनल इस्लामिक स्ट्रक्चर है, जैसे कि जो मॉस्क आप जेरूसलम में देखेंगे मस्जिद अल अक्सा, सेम वो सेम और सेम स्ट्रक्चर उस मॉस्क का यहाँ पर भी है। ये है ग्राउंड फ्लोर, इसके ऊपर है एक फ्लोर, इसके ऊपर भी है एक फ्लोर, ये जाता है सेकंड फ्लोर की तरफ। और यहाँ पे लेडीज़ की साइड बनी हुई है, मीन्स मान लो ये सारा का सारा लेडीज़ के लिए है। और मैंने साइड से जाके परमिशन लेके शूट करा लिया। और ये है फर्स्ट फ्लोर, इस साइड पे बॉयज़ वगैरह बैठ सकते हैं, नमाज वगैरह पढ़ सकते हैं, वो भी मेल के लिए ही है। ये है ग्राउंड फ्लोर, माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त दिख रही है भाई मेरे। ये है लाइट्स, ये लाइट्स नीचे तक जाती हैं, ये भी फ्लोर है, ये अभी मैं सेकंड फ्लोर पे आ चुका हूँ। और ऊपर देखिए आप, ये है गुंबद, कितना ज़बरदस्त, कितना प्यारा दिख रहा है। और ये जो लाइट्स है ना, लाइट्स के बीच में आपको ये रस्सी दिख रही होगी, ये ऊपर गुंबद से ही अटैच है। ये वाला फ्लोर अलाउड नहीं है, इस साइड पे आपको ये लड़कियों का है, इस साइड पे गर्ल्स होती हैं आके नमाज वगैरह पढ़ती हैं। इसके नीचे वाला भी फ्लोर लड़कियों का है लेकिन एक साइड पे है, इस साइड पे बॉयज़ है और इस साइड पे गर्ल्स।
यहाँ पे रूम्स भी अवेलेबल हैं अलेक्सा इन में, आप लोग यहाँ पे रूम्स भी लेके रह सकते हैं। फिर उसके बाद रिलीजियस प्लेसेस जो होती हैं, मॉस्क हो गए, टेम्पल हो गया, गुरुद्वारा हो गया, वहाँ जाके बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल शांति होती है। और सफाई, मेन चीज़ सफाई बहुत ज़बरदस्त रहती है। ये स्कूल है भाई, सामने मॉस्क है, तो मुझे लग रहा है इसी मैनेजमेंट ने, जिस मैनेजमेंट ने इस मॉस्क को संभाला हुआ है, वही स्कूल भी यही चला रहे हैं। भूख बहुत तेज़ की लग रही थी, सुबह से कुछ भी नहीं खाया हुआ था मैंने, तो मुझे लगा कुछ ना कुछ तो कर लेना चाहिए, तो मैंने यहाँ की बिरयानी मंगाई, 600 श्रीलंकन रुपीज़ में मिली मुझे। मैं गेट सर कोल्ड ड्रिंक, यू हैव फेंटा और मिरिंडा? या स्मॉल वन, ओके गेट मी दैट वन। ये चिकन बिरयानी मंगाई मैंने, यह है चिकन, ये है आलू, और ये यहाँ की चटनी वगैरह कुछ होती है। ज़बरदस्त, अगर आपको तीखा पसंद है तो आपको श्रीलंका का खाना बहुत पसंद आएगा। मैं थोड़ा सा तीखा अवॉइड करता हूँ, शुरू से आदत नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छा लगता है, आदत बन रही है। इस एरिया में ना मैक्सिमम लोग हैं जो तमिल में बात करते हैं, ये जो पूरा एरिया है ना, ये कातनकुडी का जो भी एरिया है, इसमें मैक्सिमम लोग तमिल में बात करते हैं, और आगे पीछे थोड़ा जाएंगे तो वो सिंघाला में बात करें या सिंघाला में बात करते हैं। और मैं आपको बता रहा था कि जहाँ यहाँ पे जो मेहमान मुस्लिम्स हैं वो तकरीबन 3000 के अराउंड होंगे, और वो ओरिजिनली पाकिस्तान से हैं, फिर उसके बाद दाऊदी से, भोरा से, ख्वाजा से, ये तकरीबन 2000 के करीब होंगे, उससे ज़्यादा नहीं है, और ये गुजरात से आए हुए हैं ओरिजिनली, और ये फॉलो करते हैं शियाइज़म, और ये सारे के सारे शियाज़ हैं, और इनकी वर्शिप की जगह भी अलग होती है, इनकी मस्जिद भी अलग होती है, और इनकी लैंग्वेज भी अपनी ही होती है। बाहर जाते हैं तो सिंगला या तमिल में बात करते हैं, लेकिन आपस में जो इनकी बात होती है वो अलग लैंग्वेज में ही होती है, उनकी अपनी लैंग्वेज है। गेट मी वन, हाउ मच फॉर दिस? 100 100 ओके गिव मी वन। कुल्फी, सॉरी, आई विल टेल यू, वेट, बच्चे मुझसे बातें करे जा रहे हैं यार। दिस वन कुल्फी, इट्स कुल्फी, कुल्फी। अच्छा कुल्फी, इट्स गुड, अच्छा कुल्फी। So this is the, ये मेरे को गिफ्ट दिया इन्होंने फ्री में, इट्स अ गिफ्ट फॉर मी राइट, आई एम योर गेस्ट, सो ये मुझे गिफ्ट दिया, यू आर ऑफरिंग मी, सो यू विल पे फॉर दिस, हू विल पे फॉर दिस, आई एम योर गेस्ट। तो चलो अभी इसको ट्राई करते हैं, थोड़ा सा गर्मी लग रहा है यार अभी, अब ये मत सोचिए कि जनवरी में मैं खा रहा हूँ, गर्मी है भाई मेरे यहाँ पे, बहुत तेज़ गर्मी है। 100 gift for you. It's a gift for you. Take it. Happy? आप घबरा रहे थे, मैं पैसे नहीं दूंगा आपको। पैसा बहुत है अपने पास, बस प्यार चाहिए, दुआ करो प्यार मिले। I don't have love. Just pray for me, okay? Thank you. व्लॉगिंग करना, स्पेशली ट्रेवल व्लॉगिंग करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। अभी मैं गलियों में जा रहा हूँ, घूम रहा हूँ, अभी मॉस्क को एक्सप्लोर करके आया हूँ, और गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, और वो भी जनवरी में, देखो कुदरत के नज़ारे, एक जगह पे बहुत ज़्यादा सर्दी और एक जगह पे बहुत ज़्यादा गर्मी, अभी बहुत ज़्यादा गर्मी चल रही है यहाँ पे। आपके देश में इतने की बोतल कितने की मिलती है? हमारे इंडिया में मिलती है सिर्फ और सिर्फ 10 रुपीज़ की, और यहाँ पर श्रीलंकन 100 रुपीज़ में मुझे अभी ये मिली बॉटल, लाइक मान लो इंडिया के 25 रुपीज़, और श्रीलंका में पानी बहुत महंगा है। मुस्लिम्स के लिए मैंने आपको बताया कि 10% मुस्लिम्स हैं यहाँ पे श्रीलंका में, और 12% के आसपास हैं जो हिंदूज़ हैं, और बाकी के 70% हैं जो बुद्धिस्ट हैं, और यहाँ पे कोई भी किसी किस्म का भेदभाव नहीं होता है, और साउथ एशियन कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है जो श्रीलंका का है।
92% है जो श्रीलंका का सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है। अगर हम अपने इंडिया की बात करते हैं तो मुझे लग रहा है 72-73 है कुछ ऐसा, इफ़ आई एम रॉन्ग प्लीज़ करेक्ट मी, लेकिन श्रीलंका का 92% है। उसकी वजह से यहाँ पे कोई भी भेदभाव नहीं होता है, कोई इस्लाम को फॉलो करे, हिंदुज़म को फॉलो करे, किसी को भी फॉलो करे, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ पे। व्हाट इज़ योर नेम? सुबैर। यू स्पीक अरबी? कैफा हाल? गुड गुड। आई एम फ्रॉम इंडिया। इंडिया इंडिया या आई एम सेइंग गुड प्लेस ने? या गुड प्लेस, सुपर प्लेस, सुपर प्लेस। दिस इज पल्ली अलक्सा। या मस्जिद अलक्सा, सुपर मस्जिद और कंट्री। या कोइस कोइस फाइन 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 गुड गुड ओके अल्लाह हाफिज। तो अभी मेरे पास ये यू हाफिज 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 इमाम मस्जिद। ओह विच मस्जिद? ओके एक मस्जिद के इमाम भी हैं ये और ये हाफिज भी हैं। हाफिज़ वो होते हैं जिन्होंने कुरान को अपने सीने में रखा होता है, पूरी तरीके से उसको रीड करके रखा होता है और पूरी तरीके से अच्छे तरीके से उसको लर्न किया होता है। तो मुझे कोई इंग्लिश बोलने वाला आदमी मिल नहीं रहा था तो मैंने कहा इनसे थोड़ी बहुत जानकारी ले लेता हूँ। सर योर गुड नेम? फरीजा। तो इन हाफिज़ आपका नाम है फरीजा। सो आई वॉन्ट टू नो मोर समथिंग अबाउट दिस कातनगुड़ी। मोस्ट Muslim town, yeah, Muslim town. I know. Only Muslim people. Only Muslim people. Okay. There are so many people, masjid and madrasas. Okay. ये बता रहे हैं कि बहुत सारी मस्जिद हैं यहाँ पे और बहुत सारे मदरसास हैं और कातनगुड़ी में सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम से हैं। वेयर इज योर होम टाउन? दिस वन ओनली। ओके यू मेक दुआ फॉर होम टाउन कातनगुड़ी। हां यू आल्सो फॉर अस। ओके ओके सर। एक बात जो मुझे अच्छी लगती है, लोग ना आगे पीछे से सलाम करते हैं, हेलो करते हैं एक फॉरेनर को देखे। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू हबीबी? कोइस कोइस कैफा हाल? अल्हम्दुलिल्लाह ज़ैन। कम ऑन, स्पीक अरबी प्लीज? सर यस। सिडोनी यू बोथ स्पीक अरबी? नो यू स्पीक अरबी? शोया मालूम इन अरबी। ऑल ऑफ कातनगुड़ी एरियाज ओनली मुस्लिम्स। हिंदूस नो इंग्लिश नॉट ऑन देयर। दैट इज द स्पेशल ऑफ कातनगुड़ी। How is the life of Muslims in Sri Lanka? Muslim, this area is eastern province. Yeah, eastern province, I know. Eastern province. This area is no problem. No problem? We are living here happily. Okay. Okay. And in other areas? Other persons in other areas, in the Sinhalese areas, this is the true. Not problem. No problem no here. No problem in here. Eastern part of Sri no Lanka. Part of Sri Lanka. Other areas, the Sinhalese Buddhist areas, small problems here. Yes, not big. Okay, but you all are happy here in Sri Lanka? We are happy here, Sri Lanka. Okay. Sri Lanka is a good country. Happy to hear this. Yes. All of we are living here happily. Okay. ये भैया का मानना है कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है, मुस्लिम्स जो खुशी से रह रहे हैं यहाँ पे। सारे मुस्लिम्स हैं तो खुशी से ही रहेंगे, बट कुछ पार्ट है जो श्रीलंका को उसमें थोड़ी बहुत इन्होंने प्रॉब्लम्स बताई थोड़ी। बट आई होप कि ऐसी प्रॉब्लम्स कहीं भी नहीं हो जाए, अच्छे से रहें लोग। You visit there. Okay. Then Sri Lankan Muslim, how to come here to Sri Lanka to start the Muslim community. You visit there. There are lots of things there. Okay. So you want to Jahan Ahmad. Jahan Ahmad.
So this is, you are goldsmith, right? Yeah. Okay, what's the rate of gold here in Sri Lanka? Today Sri Lanka 1,82,000 today. 1 pound. 1 lakh. 8 grams. 100,000. 24 carat. 24 carat. 1,80,000. 82,000. 82,000. बताइए यार, हमारे देश में क्या चल रहा है? अब मेरे को तो सोने का पता नहीं, ना तो मेरी बीवी है ना तो मेरी गर्लफ्रेंड है जिसको सोना शोना कुछ बना के दूं, कोई कुछ भी नहीं है। बट बताइए इंडिया में क्या रेट चल रहा है? Okay, nice meeting you everyone. Yeah, okay. You all are good. Happy to meet you. Yeah. No problem, no problem. Abdul Ghaffar. Abdul Ghaffar. Abdul Ghaffar. Abdul Ghaffar. You want to drink something? Sorry. Something. I take food, food. I'm full, full. No, yeah, no problem. I will not take anything. Please. I'm full. I just took dinner right now. यार अभी आपके सामने मैंने खाना खाया था। गेस्ट, यू नो, टुडे ओके, दैट्स व्हाई आई एम सिटिंग हियर बिकॉज़ आई डोंट लाइक टू रिफ्यूज। हाउ मेनी पीपल यू कमिंग विद यू? ओनली वन, मी, ओनली मी, ओनली मी। स्टे हाउ मेनी डे? आई गो बैक ऑन 25th ऑफ जनवरी। आई एम लैंडिंग ऑन चेन्नई ऑन 25th ऑफ जनवरी। यू विल सी आवर प्लेस? या आई सी कातनगुडी। I just came here for this mosque special. Mosque, you okay? Yeah. Finish it? Yeah, finished. Okay. How's it's that? Very beautiful. How's that? It's very beautiful. Very beautiful. I just stayed there for 2 hours. तो ये मानना है इन लोगों का, मेरा भी यही मानना था कि इस मॉस की वजह से, इस मस्जिद की वजह से अब ये टूरिस्ट स्पॉट बन गई है। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं इसको देखने के लिए और बहुत अच्छी भी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अंदर जाओगे तो आप आओगे तो आपको पता चलेगा। मैं वहाँ पे गया और मुझे बाहर निकलने का मन ही नहीं कर रहा था। एटलीस्ट 2 आवर्स मैंने स्पेंड किए वहाँ पे उसको अच्छे तरीके से देखने के लिए। तो आ गया हूँ जो ना वापस रूम में। मुझे बहुत अच्छा लगा आज घूम के कातनगुड़ी में, उसकी हिस्ट्री देख के, पढ़ के, सुन के, आप लोगों को सुना के मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अगर आप लोगों को भी ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो कमेंट सेक्शन आप लोगों को दिया हुआ है ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान, फैमिली वालों का ध्यान, आस पड़ोस वालों का ध्यान, सबका ध्यान रखें।